नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेपो रेट, जिसको हम लोग रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट भी कहते हैं, और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। सो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक रेट के बारे में कि बैंक रेट क्या होता है, क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझने के पहले हमें बैंक रेट का जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और SBI के पास पैसे की कोई कमी आ गई है और SBI को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर RBI लॉन्ग टर्म लोन देगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, उसे हम लोग कहेंगे बैंक रेट। तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन RBI अपने क्लाइंट को लोन देती है। अब आप ये किस तरह कह सकते हैं कि इसकी मदद से RBI महंगाई को कम कर सकती है। सिंपल सी बात है कि जो बैंक रेट होता है उसको तय करने का अधिकार किसके पास होता है? RBI के पास। और जितने भी आपके बैंक के लोन रेट होते हैं वो RBI की बैंक रेट से लिंक रहते हैं। तो कल को RBI अगर बैंक रेट बढ़ा दे, अगर बैंक रेट की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो बट ऑब्वियस से लोन महंगी हो जाएगी। लोन महंगी हो जाएगी तो बैंक के पास कम पैसे लोन में देने के लिए होंगे, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, जिस कारण की वजह से आप इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं। तो बैंक रेट का इस्तेमाल RBI इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों से लड़ने के लिए करती है। अब अगला आता है दोस्तों लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसका इस्तेमाल कर RBI महंगाई को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेपो रेट के बारे में कि रेपो रेट है क्या। रेपो रेट मतलब रीपर्चेस एग्रीमेंट। अभी हम लोगों ने बात की बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट का जस्ट उल्टा होता है रेपो रेट। अगर किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को या किसी भी RBI के क्लाइंट को, मान लीजिए SBI है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, उसे शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन की अगर मांग है, तो जो जिस इंटरेस्ट रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक या अपने क्लाइंट को पैसे लोन देगी, उसे हम लोग करते हैं रेपो रेट। बैंक रेट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड रेपो रेट फॉर द शॉर्ट टर्म, ठीक है। रेपो रेट को हम लोग रीपर्चेस एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज RBI बैंकों को लोन देते वक्त उनके कुछ कोलैटरल को अपने पास गिरवी रखेगी। मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए, उसके पास कुछ बैंक सिक्योरिटीज़ पड़े हुए हैं, वो RBI के पास गया। मान लीजिए कि SBI के पास 100 करोड़ रुपए की बैंक सिक्योरिटी पड़ी हुई है, वो RBI के पास गया और कहता है कि भैया ये बैंक सिक्योरिटी आप ले लो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप ले लो और आज से 8 दिन बाद, ठीक है, मैं आपसे यही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो 8% रेट के हिसाब से वापस ले लूँगा। मतलब कि यहाँ पर जो रेपो रेट है वो 8% है। तो 8 दिन बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना पे करेगा RBI को? टोटल पे करेगा दोस्तों 108 करोड़। तो याद रखिएगा कि रेपो रेट मतलब होता है रीपर्चेस अग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर बैंक अपना लोन जो कि उसने RBI से शॉर्ट टर्म में ले रखा है, अगर वो उसे चुकता कर देती है तो ठीक, वरना RBI इस कोलेट्रल को बेचकर कुछ पैसों की भरपाई करेगा। अगला है दोस्तों कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल बैंक करेंगे वो SLR वाली सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि जो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो में पैसा रिजर्व रखती है बैंक, देन उस पैसे से बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और लोन वगैरह खरीदती है, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलेट्रल पर चढ़ाकर कोई भी बैंक या RBI का कोई भी क्लाइंट रेपो रेट से पैसे नहीं ले सकता। और हाँ दोस्तों, मिनिमम अमाउंट कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए।
पांच करोड़ से नीचे पर आपको रीपर्चेस एग्रीमेंट मतलब कि रेपो रेट पे पैसे आरबीआई नहीं देगी, तो कम से कम 5 करोड़ रुपए आपकी मांग होनी चाहिए। और इसके जो क्लाइंट हैं, इसमें आपका यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारे के सारे आते हैं। तो ये सारे के सारे आरबीआई के क्लाइंट हैं जो कि रेपो रेट पर आरबीआई से पैसे उठा सकते हैं। अगला होता है दोस्तों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। ये आपका रेपो रेट का थोड़ा सा उल्टा वर्जन है। जैसा कि मैंने ये बताया कि रेपो रेट में एसएलआर का कोटा इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ के केस में एसएलआर का कोटा इस्तेमाल कर सकती है बैंक, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। मांग लीजिए एसबीआई है, उसको बहुत इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, वो आरबीआई के पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो एसएलआर कोटा का यूज़ कर अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। और याद रखिएगा जितनी भी उस बैंक की एनडीटीएल होगी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, उसका 0.075% ही वो इस्तेमाल कर सकती है आपका रेपो रेट के तौर पे, मतलब कि एमएसएफ के तौर पे। अब मान लीजिए कि एसबीआई का एनडीटीएल आपका 100 करोड़ है, तो एमएसएफ के तौर पर 75 लाख रुपए ही सिर्फ और सिर्फ आरबीआई से वो उधार में ले सकती है, इसके अलावा वो 1 रुपए भी उधार में नहीं ले सकती, ठीक है। इसके क्लाइंट कौन होते हैं? एमएसएफ की सुविधा हर किसी को प्राप्त नहीं है, जिस तरह रेपो रेट की सुविधा लगभग हर किसी को प्राप्त है, चाहे वो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो आपका यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रोवाइड की जाती है जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, आरबीआई एक्ट 1934 की लिस्ट में जिनका नाम हो, दूसरा जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए हो, और वो इस बात की गारंटी देते हैं कि वो अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसी बैंकों को ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। और कम से कम इसमें मिनिमम अमाउंट आप 1 करोड़ इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह रेपो रेट में 5 करोड़ थे, ठीक उसी तरह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ में मिनिमम अमाउंट आपकी 1 करोड़ रुपए होती है। अब दोस्तों आता है रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेपो रेट का ठीक उल्टा। रेपो रेट में बैंकों को जब शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से लोन की ज़रूरत पड़ती थी तो जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई लोन देती थी दैट इज़ कॉल्ड अ रेपो रेट। यहाँ पर अगर आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है और वो बैंकों से शॉर्ट टर्म के लिए जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठाएगा, लोन उठाएगा, उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और यहाँ पर भी आरबीआई को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलेट्रल के तौर पर बैंक के पास रखनी होगी, देन देयर आफ्टर जब आरबीआई उस पैसे को वापस करेगी बैंक को उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर, देन बैंक उसकी कोलेट्रल को रिलीज कर देगा, ठीक है। और एक फार्मूला होता है दोस्तों, जितना भी आपका रिवर्स रेपो रेट है और आपका एमएसएफ का रेट है वो हमेशा रेपो रेट से लिंक किया गया है। अगर आप रेपो रेट में से 1% घटा देंगे तो वो बन जाएगा रिवर्स रेपो रेट, और अगर आप रेपो रेट में 1% जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। तो एमएसएफ और रिवर्स रेपो रेट को आपका रेपो रेट से लिंक किया गया है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रेपो रेट को किस तरह, अगर कभी कभी आप लोग अखबार पढ़ते हैं आप लोग पाते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने इस बार रेपो रेट कम की, तो आप लोग को एक बार बता देना चाहता हूँ कि 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। मान लीजिए अभी रेपो रेट है करंट की 8%, कल न्यूज़ आती है कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट घटा दी, तो अगर 100 बेसिस पॉइंट बराबर आपका 1% गए तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 0.25, तो अगर आपने 8 में से 0.25 घटा दिया तो अब नई जो रेपो रेट हो जाएगी वो 7.75% हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगी, इसमें से आप 1 माइनस कर दोगे, और एमएसएफ क्या हो जाएगी, इसमें आप 1% जोड़ दोगे। तो दोस्तों ये था रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।